संविधान के अनुसार आपने देखा होगा कि दलितों को लेकर देश में तरह तरह की बातें चलती हैं। आज हमारे वाल्मीकि भाई देश के अंदर पुतला जला रहे हैं। इससे पहले पद्मावती का विरोध हुआ था और हमारे भाई वाल्मीकि भाइयों ने बहुत भाग लिया। सबसे पहले आगे झंडे बैनर लेकर चल रहे थे पद्मावती के विरोध में। लेकिन जो विरोध में लगे थे, बजरंग दल में थे, विश्व हिंदू परिषद में थे, हमारे ही भाई, उनसे कहना चाहता हूँ, साथ जहाँ बैठे हो तो बुरा नहीं माने कि आप उनसे पूछिए कि आज जब सलमान खान ने वाल्मीकि समाज पर गलत टिप्पणी की तो आप हमारे साथ क्यों नहीं है। जब मुस्लिम समाज से लड़ाई होती है तो कहते हैं आप हिंदू हैं, और जब सवर्ण समाज से लड़ाई होती है तो कहते हैं कि आप दलित हैं, आप नीची जाति के। इसलिए मेरे देश के वाल्मीकि वीरों, कुछ तो करो जवानी में और आग लगा दो पानी में। मैं देश के सभी वाल्मीकि वीरों एवं यहाँ सभी मेरी माता बहनें बैठी हैं, मैं आपको अगर समय ना लूँ तो थोड़ा दो मिनट और बोलूँ, बढ़ा दूँगा। एक कहानी बता रहा हूँ शॉर्टकट में, इस कहानी में सारे सारांश छुपे हुए, अर्थ छुपा हुआ है। मैं दिल्ली वालों को ये बताना नहीं आया, दिल्ली वालों से मैं प्रेरणा लेता हूँ। और हमारे अग्नि जी बैठे हुए, हमारे चौहान साहब बैठे हुए, हमारे दादा बैठे हुए हैं, जा साहब बैठे हुए हैं, सभी लोग मंच पर बैठे हुए हैं, और शायद राहुल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने जो कार्यक्रम किए धन्यवाद के पात्र हैं। सच बोलने की आदत है मुझे, उतावला से बावला राहुल जी के अंदर बहुत आग है। आज जो दिल्ली में आपने जो कार्यक्रम किया है, यह कार्यक्रम हम बहुत बड़े पैमाने पर करने वाले थे। देश के सारे संगठन देश की राजधानी से यहाँ सबको बुलाकर और मिशन पृथक आरक्षण, मिशन 2018 पृथक आरक्षण की राष्ट्रीय बहस कराने वाले थे, लेकिन राहुल जी ने जल्दी इतावला से बावला जल्दी हाल ही की बैठक रख दी। कोई बात नहीं, इस पर भी हम आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को भी। तो साथ ही वो कहानी की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या संकट आने वाला है मेरे देश के वाल्मीकि पर। अभी हमारे भैया ने बताया, बुलंदशहर में गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी, मैंने देखा साथी, दुख तो होता है क्योंकि एमपी मेरा कार्य क्षेत्र है। अगर ये घटना एमपी में होती साथियों तो न जाने क्या हो जाता। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो विरोध सलमान खान का जो चल रहा है, मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत के बैनर तले चल रहा है और तहलका मचा दिया है। तो साथियों, कहानी इस प्रकार से है कि किसी नगर में एक किसान और उसकी बीवी राह करती थी। उस घर में एक चूहा था, मोटा सा, मेरे ऐसा चूहा है, पुरानी मान रहा है, कहावत बता रहा हूँ। अब वो चूहा साथियों उस किसान को और उसकी बीवी को डेली देखता था कि कौन सी चीज़ें ये कहाँ छुपा कर रख रही हैं और मुझे खाने को मिले। तो साथियों, एक दिन नई चीज़ घर में आई और उस चूहे ने उस किसान की बीवी को और किसान को कुछ रखते हुए देख लिया। जब वो चले गए वहाँ से तो चूहे ने जाकर देखा कि ये तो चूहे दानी, इसमें हम चूहा कैद करते हैं ना, चूहे को पकड़ते हैं, ये तो चूहे दानी है। तो चूहा दौड़ कर एक कबूतर के पास गया कि होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। जैसे हमारे समाज से भी लोगों को होशियारी सिखाते हैं, जागरूक है। अभी हमारे भाई ने कहा था कि जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, इस बात का खंडन करना चाहता हूँ कि वो लोग पहले से ही जागरूक हैं। कहीं राघव जी, लोग पहले से ही जागरूक हैं। जैसे मैंने बहुत संघर्ष किया, अगर बात अगर आप कहोगे कि मैं पहले से ही जागरूक नहीं था, मैंने बाबा साहब को बड़ा जागरूक हुआ, अब मैंने संघर्ष करके अपने खुद को स्थापित किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत तरीके से पैसा कमाने का, इसका मतलब ये नहीं है, और भी रास्ते संघर्ष करना पड़ता है इसके लिए, सारे लोग एक से नहीं होते हैं। तो साथ ही जब वो चूहा कबूतर के पास गया तो कबूतर से बोला कि कबूतर महाराज, घर में एक चूहेदानी आ गई, आप होशियार रहना, मेरी समाज की बात कर रहा हूँ। तो कबूतर हंस के बोला, अरे पगले, वो चूहेदानी मेरे किस काम की, तू बच के रहना, तेरे काम की है। तो चूहे ने सोचा, अरे यार कहीं और चलते हैं। तो चूहा दौड़ के उस बकरे के पास गया, उस बकरे के पास गया, बकरे से बोला कि महाराज थोड़ा होशियार रहना, घर में चूहेदानी आ गई है। तो बकरा लोटपोट, हंसी में लोटपोट होकर बोला, 5 मिनट बाद हंस कर बोला, अब वो मेरे चूहेदानी मेरे किस काम की, वो चूहेदानी तेरे काम की, तू बच के रहना। तो साथ ही वो चूहा निराश होकर चला गया। एक दिन क्या होता है कि वही किसान और उसकी पत्नी जब पिंजरेदानी के पास जाती है, चूहेदानी के पास, तो उसमें उनको लगता है कि कोई चूहा फंस गया, वो
कि पूंछ पकड़ के जब खींचते हैं ना, जैसे चूहे की पूंछ लंबी होती है, तो जैसे उसको खींचते हैं तो उस पिंजरे दाने में जो सांप उसको डस लेता है किसान की पत्नी को, तो सांप का काटा हुआ आदमी एकदम नहीं मरता, कोमे में चला जाता है। तो लगातार वह 3-4 दिन कोमे में रही, तो वह हकीम के पास गया, तो हकीम ने कहा कि इन्हें कबूतर का जूस पिलाइए। हकीम ने कहा कि कबूतर का जूस पिलाइए, तो किसान ने सोचा मैं कबूतर कहाँ से लाया हूँ, तो सबसे पहले किसान की नगाह उसी कबूतर पे गई जिसने उस चूहे ने उस कबूतर को होशियार किया था, समझ रहे ना मेरी बात। तो किसान ने उठाई गुलोल या निशान है जो भी उस कबूतर को मारा और उसका जूस बना के अपनी पत्नी को पिला दिया, तो निपट गया कबूतर। इसके बाद उस किसान की पत्नी नहीं रही, चल बसी, तो मेहमान आए गए, तो आजकल हमारे यहाँ क्या है बकरा पद्धति भी चलती है, बुरा नहीं मान रहा, हम लोगों 12 नंबर भी चलता है, हमारे यहाँ 12 नंबर कहते हैं। तो जब किसान की पत्नी चल बसी तो किसान ने सोचा कि मैं बकरे को काट कर खिला दूँ, इनका भोजन करा दूँ तो मेहमानों का सेवा हो जाएगी। तो साथ ही किसान ने उसी बकरे को काटा जो चूहे ने उसको होशियार किया था, जिसमें चूहे रानी आ गई घर में। तो साथियों मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप सब भी होशियार हो जाओ, समय वही आने वाला है। आज आप पिट रहे तो मैं हंस रहा हूँ, मैं पिट रहा हूँ तो आप हंस रहे हो। 21वीं सदी में हमारे युवा जागरूक हो चुके हैं, आज देश के अंदर विरोध चल रहा है। मैं निवेदन करता हूँ दिल्ली वाले यहाँ ज़्यादा बैठे, मध्य प्रदेश के लोग तो यहाँ करीब उपस्थित हैं, कि संगठन कोई भी हो, दिल्ली में जितने भी संगठन हैं, हमारा एक छोटा सा संगठन है, हम दिल्ली वालों के साथ हैं। हम ये चाहते हैं साथियों, हर बार हमें देखने को मिल जाती है मीडिया के माध्यम से कि आरक्षण समाप्त किया जाए। अभी अभी हमारे भैया ने बोला था अज्ञानी जी ने कि आरक्षण करनी सेना, परशुराम सेना, तमाम सेनाएं जो आरक्षण का विरोध करती हैं, लेकिन मैं उनसे कहना ये चाहता हूँ कि ठीक है हम आरक्षण समाप्त कर देते हैं, लेकिन इस देश से जातिवाद को आप मिटा दो और वोट डालने का हमें अलग से अधिकार दे दो।